रायबरेली की एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि एक सिपाही आग बुझाने के दौरान जख्मी हुआ है। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। मामला सलून थाना इलाके के सलून कस्बे का है। ये प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की बंद दुकानों से धुआं उठता रहा। आसपास के लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सीओ सलून वंदना सिंह की टीम ने पुलिसकर्मी दमकल पहुंचने से पहले ही आग बुझाने में जुट गए। इसी प्रयास में नवीन नाम का सिपाही जख्मी भी हुआ है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम 4 गाड़ियों ने पहुंच करके आग पर काबू पा लिया। घटना हुई है, क्या मामला था? ये सलून कस्बे में प्रीत इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान है, जहां पर आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। तो यहां पर हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, स्थानीय पुलिस ने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया कि उन्होंने तुरंत ही जो जगह थी उसको खाली कराया वहां पर, क्योंकि ये बंद थी, अंदर से आग लगी थी जिसकी संभावना है शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो। बंद दुकान में कहीं से वेंटिलेशन नहीं था, धुआं बहुत भरा था, तो पहले तो लोगों को निकाला गया और जो वैसी थी सिलेंडर और इस तरह का ज्वलनशील पदार्थ सभी निकाल के, और उसके बाद फायर सर्विस वालों ने पूरी आग पर काबू पा लिया है। स्थिति सामान्य है, बाकी जो है आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है।